हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट डोसा की रेसिपी। इसे हम सूजी से बनाएंगे और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। जब भी आपका डोसा खाने का मन करे, आप इसी तरह से जल्दी से डोसा बना के खा सकते हैं और यकीन मानिए, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप सूजी ली है। अब इस सूजी में हम 2 टेबलस्पून आटा मिला लेंगे। जो आटा हम रोज यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी को हमने मिलाना है। आटे से हमारे डोसे में बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और अब 1/2 चम्मच इसमें नमक भी मिला लेंगे। 1/4 चम्मच इसमें चीनी मिला लेंगे। साथ ही 1 कप इसमें हम दही भी मिला लेंगे। जो नॉर्मल दही हम घर में जमाते हैं, वही दही हमने इसमें मिलानी है। ध्यान रहे, दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। बस इन सबको आप अच्छे से मिला लेंगे। ये भी गाढ़ा है, इसको हम पतला करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी मिला लेंगे। इसका हमने एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है, जो ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला हो। और अब इसमें 1/4 चम्मच हम बेकिंग सोडा मिला लेंगे। जो खाने वाला सोडा हम यूज करते हैं, वही हमने इसमें मिलाना है। बस अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, सूजी के साथ मैंने सारी चीजें अच्छे से मिला ली हैं। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल के तैयार होती है, हम डोसा के लिए चटनी फटाफट तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए 1 कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाल के गरम कर लेंगे। अब तेल हमारा गरम हो गया है, मैंने यहाँ पे 4 साबुत लाल मिर्ची ली है, उसको भी तेल में डाल के भून लेंगे। 1 टेबलस्पून चना दाल डाल लेंगे। 1/2 कप मैंने यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स लिए हैं, उनको भी इसमें डाल के भून लेंगे। पांच छह कलियां लहसुन की ली हैं, उनको भी इसमें डाल लेंगे और उनको भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी फ्रेश करी लीव ली हैं, उनको भी इसमें डाल लेंगे। और 1 प्याज को मैंने बारीक लंबा काट लिया है, उसको भी इसमें डाल के भून लेंगे। ये सारी चीजें हमारी हल्की सी भुन गई हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को रफली काट लिया है, इसको भी इसमें डाल लेंगे। और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डाल लेंगे और इसको ढक के हम टमाटर के गलने तक पकाएंगे। टमाटर हमारा हल्के से गल गए हैं। इसमें अब हम 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर मिला लेंगे और मिर्ची को भी प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर प्याज अच्छे से गल गए हैं। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चटनी का मसाला हमारा ठंडा होता है, हम डोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए 1 कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल के भी गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें अब 1 टेबलस्पून सरसों के दाने डाल लेंगे।
और देखिए सरसों के दाने अच्छे से पक गए हैं, ये उछलने भी लग गए हैं। इसमें आप थोड़ी सी फ्रेश करी लीव डाल लेंगे। दो साबुत लाल मिर्ची ली हैं, उनको तोड़ के भी इसमें डाल लेंगे। एक टेबलस्पून चना दाल भी डाल लेंगे। आधा टेबलस्पून इसमें हम जीरा डाल लेंगे और एक प्याज मैंने बारीक काट के रखा है, उसको डाल के भी इसमें भून लेंगे। और देखिए प्याज हमारा हल्का सा भुन गया है। मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाल के मैश करके रखा है, इसको भी इसमें डाल लेंगे। और इन सबको अब अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर लेंगे। इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर मिलाएंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे। आधा चम्मच चाट मसाला मिलाएंगे। और 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट के रखी है, उसको भी इसमें मिला लेंगे। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला लेंगे। और बस अब स्टफिंग बनके भी हमारी तैयार है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मेरा चटनी का मसाला जो हमने बनाया था वो ठंडा हो गया है। इसको अब एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल के भी गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें 1/2 टेबलस्पून काली सरसों डाल लेंगे। 2 साबुत लाल मिर्ची भी डाल लेंगे। और ये देखिए सरसों के दाने हमारे अच्छे से पक गए हैं और जो मिर्ची हमने इसमें डाली थी वो भी अच्छे से भुन गई है। इसमें हमने जो चटनी पीस के रखी थी उसको डाल लेंगे और चटनी को हम इसके साथ भून लेंगे। जार में भी थोड़ा चटनी थी, उसमें मैंने पानी डाल के भी इसमें मिला लिया है। बस अब चटनी को अच्छे से भून लेंगे, इसका जो भी कच्चापन है वो भूनने से निकल जाएगा। अगर आपको चटनी में तेल थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून तेल और ऐड कर सकते हैं। और देखिए चटनी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। इसमें अब हम 1/2 कप पानी मिला लेंगे और पानी मिला के भी इसे अच्छे से मिला लेंगे। बस इसमें आप 1/2 नींबू का रस भी डाल लेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। और 1 मिनट के करीब हुआ है और ये देखिए चटनी हमारी बनके तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनके तैयार हुई है, खाने में ये बहुत टेस्टी है। बस अब गैस बंद कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे।
और देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है। बस अब इसे साइड रख देते हैं और डोसे का बैटर चेक कर लेते हैं। और 20 मिनट के करीब हुआ है और देखिए सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है, ये थोड़ा गाढ़ी भी हो गई है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। और ये देखिए बस इस तरह से हमने इसका बैटर रखना है। ये ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। डोसा बनाने के लिए अब एक तवा ले लेंगे और इसमें एक टेबलस्पून तेल डाल के किसी कपड़े या नैपकिन की सहायता से फैला लेंगे। क्योंकि तवा हमारा गर्म है इसमें हम थोड़ा सा पानी के छींटे डाल लेंगे, इससे तवे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए और जब हम डोसे का बैटर इसमें डालें वो इसमें चिपके नहीं। और पानी के छींटे भी हम किसी नैपकिन की सहायता से पोंछ लेंगे। बस अब इसमें हम डोसे का बैटर डालेंगे और इसे फैला लेंगे। और साइड्स में और बीच में थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। और डोसा हमारा पक गया है, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इसमें जो हमने अब चटनी बनाई थी उसको लगा लेंगे। और साथ ही जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी उसको भी इसमें डाल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है और बहुत क्रिस्पी भी ये बना है। बस इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। है ना बनाना आसान, और ये बहुत बढ़िया भी बना है। बस इसी तरह से हम और डोसा भी तैयार कर लेंगे। और देखिए हमारा इंस्टेंट रवा डोसा बनके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है और बहुत ही क्रिस्पी बना है और इसकी चटनी तो बहुत ही टेस्टी है। बस डोसा बनाते समय ध्यान आपको ये रखना है, जो आप बैटर तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और जिस तवे में आप डोसा तैयार कर रहे हैं वो चिकना रहना चाहिए, वरना बैटर डालते ही आपका डोसा उसमें चिपक जाएगा। बस आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका डोसा भी बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। आप इस तरह से डोसा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको आज की मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।